हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडुचैम लाइव क्लासेस। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए खास अपडेट। जी, आज की हमारे इस क्लास में बात करेंगे केवीएस ने जो रिक्रूटमेंट निकाली उसके विषय में। जी हां, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संस्थान ने ग्रुप ए और बी के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है 8,339 पदों के लिए। जी हां, पीजीटी टीजीटी पीआरटी लाइब्रेरियन एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए 8,339 पदों पर केवीएस ने वैकेंसी निकाली है, जिसकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 24 अगस्त 2018। तो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो रखी गई है वो है 13 सितंबर 2018। जी हाँ, 24 अगस्त और 13 सितंबर के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म भरने का जो अप्लाई मोड होगा वो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन अप्लाई मोड होगा फॉर्म भरने के लिए। जी हाँ, आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन क्राइटेरिया पे एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दूं, एजुकेशन क्राइटेरिया जो इसकी निर्धारित की गई है वो है ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम कैंडिडेट, प्लस उसके पास पीजी की डिग्री भी होनी चाहिए। इसी के साथ एज लिमिट आप बता दें कि 30 साल से लेकर 50 साल तक का कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, या अगर आप 30 साल के या 50 साल के तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ एज इलेक्शन भी आपको दिया जाएगा, जैसा कि एससी एसटी ओबीसी पीएसडब्ल्यू पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज इलेक्शन दिया जाएगा, जिसकी अपडेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो बता दें आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो है इस एग्जाम का दो चरण में पूर्ण होगा। पहला है रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा है इंटरव्यू। इन दो आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसी के साथ आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसके कुछ स्टेप्स बताना चाहूंगा। जैसा कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको रिक्रूटमेंट की लिंक पर क्लिक करना होगा। जी हाँ, लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका अलग टैब पे एक वेब पेज खुलेगा। वेब पेज में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और भरे, और दी गई और बताए गए डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों को संलग्न करें। सेलेक्ट करने के बाद उस फॉर्म को सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप अपना फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फ्यूचर यूजर्स के लिए। जी हाँ, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे ऐसे ही रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहना होगा हमारे साथ। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच।